नमस्कार, अपर्णा यादव जब से बीजेपी में शामिल हुई है, देखिए तब से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के खिलाफ बोलने वालों पर टूट पड़ती है। बीजेपी में शामिल होते ही अपर्णा यादव दिन पर दिन लोकप्रिय नेता बनती जा रही है और बीजेपी में इनका कद बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में तो देखिए ना, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंची थी। वहां उन्होंने काफी वक्त गुजारा और फिर अपर्णा बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हो गए। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में अपर्णा यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया। दरअसल अभी दो दिन पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भगवा कपड़े पर हमला करते हुए ये लिखा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश की जनता की ये अपेक्षा है कि जो लोग संतों का चोगा पहनकर साधु संतों के नाम को बदनाम कर रहे हैं, वो इसकी आड़ में अपने आपराधिक कुकृत्य और जमीन हड़पने के अवैध कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं। ऐसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करें। इसी ट्वीट का हवाला देते हुए जब पत्रकारों ने अपर्णा यादव से ये सवाल किया तो अपर्णा ने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव ने कोर्ट किया है कि भगवा कपड़े में अपराधी टोलते हैं, आज ही किया है। मैं इस बात पे मैं यही कहूँगी कि भगवा हमारे देश का और हमारे संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा रहा, पूरा संत समाज भगवे में धारण करते ही मन के जितने भी विचार होते हैं मुझे लगता है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ते हैं, ना कि उस तरीके के विचार आते हैं जिससे व्यक्ति को अपराध करने का होता है। तो मैं सोचती हूँ कि सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में स्वीकार है, क्योंकि ये बात उचित है पर उन्होंने ये बात की इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती। भगवा के विषय में जितना मेरा ज्ञान है मुझे पता है कि पिछली और साधुओं का, सन्यासियों का, यतियों का, मुनियों का, ये आज से नहीं पुरातन काल से ही वस्तु। तो सुना आपने, अपर्णा यादव ने भगवा को देश और सनातन धर्म की संस्कृति का अहम हिस्सा बताया है। तो वहीं जब अपर्णा से महाराष्ट्र में राज ठाकरे द्वारा अजान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकर बंद किए जाने के हवाले से सवाल किया गया तो अपर्णा ने देखे इस मुद्दे पर कुछ बोलने से मना ही कर दिया। महाराष्ट्र में तो राज ठाकरे जी अजान के ऊपर मतलब लाउडस्पीकर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बाजी दे रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता, पर मैं ये समझती हूँ कि जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे इस क्षेत्र के नवरात्र का प्रोग्राम करवाया, जगह जगह पे जो जुलूस सार्वजनिक रूप से काम होंगे के दिन जो है सनातन परंपरा से जुड़े लोगों ने जुलूस निकाले और सौहार्दपूर्वक जो है रमजान रमजान का महीना भी है, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। और समझती हूँ कि क्यों कहा हलवाओं बात करने के लिए क्या कहा या उसके मन में क्यों बात आया, ये बात पे बोलते हैं। एक बार विषय जैसे मुख्यमंत्री जी ने आप लोग को बड़ा विश्वास किया है महिला होने के नाते, आप उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे और कितना संघर्ष करेंगे? ठीक है, मैं जो भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं वो कार्य करूँगी और मैं अपनी पार्टी के साथ पूरी निष्ठा के साथ हूँ, यही मेरा रुख। तो इस तरह अखिलेश यादव के ऊपर सीधे तौर पर अभी तक कोई भी बयान देने से अपर्णा यादव बचती रही हैं, लेकिन जब बात भगवे की आई तो अपर्णा ने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी करारा जवाब दे दिया।